बिहार में कोरोना का कोहराम जारी है। वैशाली जिले में भी मरीजों के बाढ़ सी आ गई है। हालांकि सरकार और समाज से भी अपने स्तर से कोरोना महामारी की रोकथाम के अभियान में जुटे हुए हैं। आज साफ पार्टी के नेता मिथिलेश कुमार साथी ने वैशाली जिले के शंभपुर कुआरी में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए मास्क का वितरण किया। इस दौरान गाँव के सैकड़ों लोगों के बीच उन्होंने मास्क बांटा और आगे भी मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान गाँव के लोगों ने कई समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिस पर उन्होंने संज्ञान लेने की बात भी कही। मिथिलेश कुमार साथी ने लोगों से कहा कि उन्हें साफ सुथरे और जनता के बीच रहने वाले उम्मीदवार को चुनाव में जिताना चाहिए, ताकि वो हर समय उनकी मदद कर सके। साथी ने लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना जरूरी है, साथ ही जरूरत पड़ने पर घर से निकलना चाहिए। कोरोना काल में मैं मिथिलेश कुमार सिंह साथी, राष्ट्रीय संयोजक साफ पार्टी, लोगों को कोरोना से सुरक्षा के लिए ज़रूरत के समय पर मास्क लगाने के लिए हमने मास्क मुहैया कराया है। और लोगों से गुजारिश है कि केवल भीड़ भाड़ में जाने पर इसका इस्तेमाल करें, और अकेला कहीं पर हो तो इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन का टाइम होता है तो बहुत से नेता आते भी हैं, बहुत आश्वासन देते हैं, वो वापस चले जाते हैं। लेकिन ये महामारी के टाइम से अभी तक तो हमको एक भी नेता नहीं दिखा। बहुत सा पार्टी अभी बना होगा, लेकिन ये फर्स्ट सर्वप्रथम ये सा पार्टी है जिसके मेन मेंबर मिथिलेश जी हुए वो आए हैं। इससे पहले भी बहुत लोगों ने गरीबों में मास्क वितरण किए हैं और आज भी किए हैं। और ये हर समय जैसे बातचीत में जहाँ तहाँ भी मैंने देखा कि इन्होंने योगदान किया है, और इसके लिए सर्वप्रथम ये आगे रहते हैं। पूर आदमी को चाबी लगा दिए हैं इसलिए कि उनको वोट आप लोग दीजिए। मिथिलेश प्रसाद सिंह को मास्क बांट रहे हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनको बहुत सुंदर वोटों से जिताया जाए। साफ पार्टी के मिथिलेश जी समुखारी में मास्क वितरण किए। अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। अभी सबसे पहला नेता हमारे मिथिलेश जी साफ पार्टी के सबसे पहला उम्मीदवार हैं, जो कि यहाँ हमारे गांव में आकर के सब इतना जो है से सब कोई को सम्मान देते हैं, या फिर हम लोग को साथ में हर चीज़ बताते हैं कि हाँ ऐसे करना है, इस तरह रहना है।